رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसकी तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुतबाए जुमातुल मुबारक भी अदा किया और मगरब के बाद कारी साहब आवाज़ ज़रा सादा करो, आई को बेस बूस बंद करो, और मगरब की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजमात अदा की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दरसे कुरान व हदीस में बैठने का मौका दिया। अल्लाह ताला से एक दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये नेकियां हमारी ये हसनात अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएं। आप इस लिहाज से भी खुश नसीब हैं कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, इस लिहाज से भी खुश नसीब हैं कि कुरान और हदीस की मजलिस में बैठे हुए हैं, इस लिहाज से भी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्तों में बैठे हुए हैं, और इससे बड़ी आप सब भाइयों के लिए खुश नसीबी ये है, ये खुश नसीबी ज़रा तवज्जो से सुनो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज अदा करता है और फिर जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटता वो मस्जिद में बैठा रहता है, ज़िक्र करता है, कुरान और हदीस की बातें सुनता है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रहमत का फ़रिश्ता दो दुआएं करता है, एक दुआ वो ये करता है कि अल्लाह ताला इस बंदे को माफ़ कर दे और दूसरी दुआ वो ये करता है अल्लाह तबारक व ताला अपने इस बंदे पर रहमत फरमा दे। तो आप जितनी देर तक दरसे कुरान और हदीस में तशरीफ़ रखेंगे और आपकी तवज्जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ हो, साथी बैठ जाएं, बैठ जाएं, आना बंद कर दें, साथी बैठ जाएं, तवज्जो मेरी तरफ करें। बड़ा बदबخت आदमी है जो मस्जिद में भी तवज्जो के साथ नहीं बैठता, बहुत बदबختी है। ये तो महरूमी है मस्जिद में ना आना, ये भी आप मसला जहन में रख लें, मस्जिद में ना आना, दरस में ना बैठना, ये महरूमी है। एक बंदे ने नमाज पढ़ी है चला गया, उसने दरस नहीं सुना, आप उसको कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि महरूम है। और कई लोगों के मामला, आप तो बड़ी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, हम चूँकि जलसों में जाते रहते हैं, बड़े मिजाज बिगड़े हुए हैं, कभी दाएँ कभी बाएँ, कभी उठ के आना जाना, ये मजलिस की रूहानियत के खिलाफ। मैं आपके लिए एक दुआ करता हूँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद बन चुकी है। आपको याद होगा पहले छोटी सी मस्जिद होती थी और अब ये माशाल्लाह महल बन गया। दो तीन चार दुआएँ करें जी, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपको देख कर। पहली दुआ ये करें कि जिन भाइयों ने इस मस्जिद की तौसी में हिस्सा डाला है, जिस अंदाज में भी डाला है, अल्लाह पाक उनके माल जान औलाद में बरकतें फरमाए, अल्लाह पाक उनको अपनी जन्नत में आला महल्लात अता फरमाए। और आप जितने भाई इधर से कुरान और हदीस में तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह के घर को आपने रौनक बख्शी है, अल्लाह पाक आपको इसी तरह बैतुल्लाह में बैठ कर आइमा हरमैन से, मुदर्रिसीन हरमैन से, खुतबाए हरमैन से अल्लाह आपको दुरूद सुनने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद नबी में भी आपको पता है फजर के बाद, असर के बाद, मगरब इशा के बाद दुरूस होते हैं। अल्लाह आपको रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बैठकर भी दुरूस सुनने की सआदत नसीब फरमाए। हजरते ज़ीवकार, आज का जो मौजू है ये कोई लच्छेदार नहीं है, हमारे शेख मुकर्रम हजरत डॉक्टर ताहिर महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह ने ना एक बड़ा मुनफरद सिया और बड़ा पचीदा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अमूमन ये बयान नहीं किया जाता, जबकि ऐसी चीज़ें बयान होनी चाहिए, ऐसे मौजूआत रखने चाहिए, ये फ़ायदे के मौजूआत हैं। आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आप वाकई अथन महसूस करेंगे, ये तो बड़ा अहम मौजू था। तो
तो इंशाअल्लाह रहमान एक बड़े हसास, बड़े मुनफरद और बड़े अहम पहलू पर हमने चंद अहादीस आपको सुनानी है। आपने पूरी तवज्जो के साथ सुननी है। ये भी आप दुआ कर लें कि जो सुने और सुनाए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम बहुत जामे दीन है। हमारे दीन इस्लाम में इबादात भी हैं, हमारा दीन हमें सियासत भी बताता है, तजारत भी बताता है, इबादत भी बताता है, अखलाकियात के बारे में भी बतलाता है, गमी खुशी के सारे अहकाम दीन इस्लाम बयान करता है। ये खासा सिर्फ दीन इस्लाम का है। इस बात को मैंने पहले भी कई दफ़ा बयान किया, मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा। हिंदुज़म जो है, हिंदू धर्म जो है, या जो सिखिज़म है, या जो मसीहियत है, या जो यहूदियत है, या ये जितने बदमत लोग हैं और जितने गैर मुस्लिम हैं, आप इनकी बुक्स पढ़ के देख लें, इनकी जितनी मुकद्दस किताबें हैं सब का मुताला कर लें, जितनी जामियत, जितनी वसअत हमारे दीन दीन इस्लाम में है, मिलके बोले दुनिया के किसी मजहब में वो वसअत और जामियत मौजूद है। दीन इस्लाम पढ़ा करें, दीन इस्लाम की किताबें अपने घरों में रखा करें। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप ना कुरान शरीफ के तर्जमे के साथ साथ अहादीस की किताबें भी अपने घरों में रखें। अलमिया यह है कि हमारे बच्चे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे बुखारी शरीफ नहीं पढ़ते, मुस्लिम नहीं पढ़ते। भाई अगर आप मदारस में नहीं गए तो अब तो आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं है, किताबों के तराजुम हो चुके हैं। चले अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते, अतवार को पढ़ लें, जुमे को पढ़ लें, दो दिन हफ्ते में मुकर्रर कर लें, अपनी बेटियों के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर आप बुखारी शरीफ से कुछ पढ़ा करें, मिश्कात शरीफ से कुछ पढ़ा करें, घरों में हदीस की किताबें खुला करें। हमारे घरों से बरकतों के उठ जाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, तवज्जो रखना, हमारे घरों में हदीस की किताबें नहीं खुलती। बहुत बड़ा आलम है। और अगर मैं यही बात करके दुआ कर दूँ ना, दर्स ख़त्म कर दूँ, तो मैंने इंशाल्लाह आपको पैगाम दे दिया, घरों में हदीस शरीफ की किताबें खोला करें। भाई हम अहलुल हदीस हैं, हम अहलुल सुन्ना हैं। भाइयों अगर हमारे घरों में हदीस की किताबें नहीं हैं, हम अपने बच्चों में बैठ के नहीं पढ़ते, कौन पढ़ेगा? आप सरमायादार हैं तब भी, आप गरीब हैं तब भी, अपनी अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक घरों में हदीस शरीफ की किताबें रखें। आप में से कितने भाई ऐसे हैं, हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन दिल ही दिल में मुझे आपने जवाब देना है, कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने सुनन इब्ने माजा शरीफ हदीस की किताब देखी है? ये बहुत बड़ा आदमी है यार, इतनी बेवफाई हमने हदीस के साथ कर दी है। हम अहलुल हदीस हैं, अहलुस सुन्ना हैं, अहले हक हैं। हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे करते हैं, और हमारी हदीस से दूरी का आलम यह है कि हमने अहादीस शरीफ की किताबों के मुंह तक नहीं देखे। तो हमारा दीन बड़ा जामे दीन है जी। कभी अपने बच्चों में बैठकर बुखारी शरीफ से किताबुल ईमान पढ़ा करो, है जी। कभी अपने बच्चों में बैठकर किताबुल जनाइस भी पढ़ा करो। जनाजे उठने हैं, इधर देखो, जीते जीत किताबुल जनाइस पढ़ा करो, तैयारी किया करो, बड़ा मज़ा आएगा। अपने बच्चों से ये भी बातें शेयर किया करो। इतने इतने खूबसूरत हमने घर बनाए हैं, लेकिन उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा अगर उस घर में हदीस पाक की किताबें नहीं हैं? एक दुआ दिए देता हूँ आपको, मोहब्बत से आमीन कहना। जिस तरह हम अपने घर में गर्मियों का सामान रखते हैं, सर्दियों का सामान रखते हैं, है जी, किचन का सामान पूरा है, बेडरूम का सामान, तो ईमान बचाने के लिए क्या है जी? घर में आप बैठक में ना एक अलमारी में कोशिश करें, कम अज़ कम सियासता होना चाहिए भाई, तफसीर की किताबें होनी चाहिए। कोई पढ़े अल्लाह फिर भी आपको सवाब देगा, कोई ना पढ़े अल्लाह फिर भी आपको सवाब देगा। वैसे ऐसे नहीं होता कि कोई ना पढ़े। हम कई घरों में जाते हैं, जब हम बैठक में बैठते हैं ना, तो चाय वाय आती है, शरबत या बोतल वगैरह आती है, या अंदर से मेज़बान के आने से पहले पहले 10-15 मिनट बैठते हैं, तो यकीन माने किताब पढ़ी होती है, हम बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक एक हर्फ के बदले अल्लाह पाक उस मेज़बान को सवाब अता करता है। ये मेरे मौजू का आप ही सही समझ लें, ये भी मरने के बाद एक सदका जारिया है।
कि आप कोई ऐसी वसीयत कर जाएं, वसीयत है ना आज का मेरा मौजू, वसीयत की अहमियत और अफादियत। इधर देखें, मैं कहता हूँ इसकी वसीयत क्या करनी है, जीते जी आप खुद ही ये काम कर जाएं। कम अज़ कम सिहा सित्ता तो होना चाहिए ना, मुख्तसर सही बुखारी, मुख्तसर सही मुस्लिम, रियाज़ु सालिहीन है जी, कुरान शरीफ की तफसीर की किताबें चंद होनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अपने घरों को कुरान और हदीस की किताबों से मुजय्यन करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजू है वसीयत, उसकी अहमियत और अफादियत। मेरे प्यारे भाइयों, वसीयत ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पे बहुत बड़ा इनाम है, शरीयत का बहुत बड़ा इनाम है कि इंसान जब बिल्कुल आपके करीब हो, आखिरी घड़ियाँ हो, या बीमारी के आलम में हो, जब नज़र आ रहा हो कि उम्र ढल चुकी है, आखिरी सफ़र है, बीमारी ने गलबा पा लिया, तो फिर इंसान को वसीयत लिख देनी चाहिए। वसीयत लिखना ये मुस्तहब है, ये मसनून है, और कई शक्लें उसकी ऐसी भी बन जाती हैं कि ये वाजिब है, ये ज़रूरी है, ज़रूर वसीयत लिखनी चाहिए। वसीयत लिखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, कोई बंदा नहीं जानता कि उसको कब मौत आएगी और कहाँ मौत आएगी। मरना है, दादा अबू या वालद या चचा या ताया अगर कोई फौत हुआ है तो देख ले, कोई नहीं जानता कब और कहाँ किसे मौत आएगी। तो इंसान को वसीयत लिख देनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इंसान के लिए सदका जारी है, नेकी का अकाउंट खुला रहता है, मरने के बाद भी बंदे को नेकियां मिलती रहती हैं। अगर कोई बंदा ये चाहता है ना कि मेरे मरने के बाद भी नेकियों का सिलसिला जारी रहे, तो वो वसीयत ज़रूर करे। ये वसीयत करना ये नबियों की सुन्नत है, आप वो कुरान पढ़ के देख लें, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब। आगे ये पूरा हज़रत याकूब ने अपने बेटों को कहा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, फरमाने लगे हम हज़रत इब्राहिम के इलाह की इबादत करेंगे, हज़रत इस्माईल के इलाह की इबादत करेंगे, अकेले इलाह की इबादत करेंगे, और हम अल्लाह की फरमा बरदारी की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो अच्छी बातें करना, अच्छी बातें तहरीर करना, और जाने से पहले पहले खैर पे अपने वरासा और लवाहिकीन को छोड़ के जाना, ये अम्बिया की सुन्नत है। तो एक ये जो है वो नेकियां कमाने का बड़ा बेहतरीन ज़रिया। दूसरा फिर ये है कि वसीयत में सिला रहमी भी मौजूद है, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई मोहताज है और आप उसके बारे में कोई वसीयत कर देते हैं, तो ये आपके लिए डबल अजर है, एक सदक़े का अजर है और एक सिला रहमी का अजर है। और इसी तरह इसके बेशुमार फ़ायदे हैं वसीयत करने के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी बंदे के ज़रूरी मामलात होना, तो उस बंदे पर तो दो रातें भी नहीं गुजरनी चाहिए कि उसकी जो वसीयत है वो उसके सराहने मकतूब होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारी शरीयत में इसके बहुत ज़्यादा अहकामात हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद ज़रूरी बातें बयान कर देता हूँ। सबसे पहली बात आप तवज्जो से सुन लें, जीते जी ये मसाइल हैं, जीते जी आपकी सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है, आप माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, कारोबारी मामलात को देख रहे हैं, शरीयत आपको हक देती है, आप जितना चाहें अपना माल अल्लाह की राह में वक्फ कर सकते हैं, आधा माल कर लें, तीसरा हिस्सा कर लें, तीन हिस्से अल्लाह की राह में दे दें, अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा दिया, जितनी मर्जी मकदार में भी आप अल्लाह की राह में दे सकते हैं। इसमें आपको पता है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब नबी अलैहिस्सलाम ने चंदे की अपील की थी, तो अपने घर का सारा माल ही ले आए थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आधा ले आए थे, आधा छोड़ आए थे। तो जीते जी इंसान जितना चाहे अल्लाह पाक की राह में सदका व खैरात कर सकता है, वक्फ कर सकता है। दूसरा मसला ये ज़हन में रखें कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ हिबा करनी है, अपनी जायदाद में से कोई चीज़ औलाद को देनी है, तो फिर बेटियों और बेटों के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाएगा, बराबरी की तकसीम की जाए। ये जो होता है ना कि बेटे का बेटी का निसब है और बच्चे का पूरा हिस्सा है, ये जब तरका होता है, जब विरासत होती है, बंदा फौत होता है, उसके बाद जब तकसीम होती है, फिर बेटी का आधा होता है और बच्चे का डबल होता है, पूरा होता है।
लेकिन अगर आप ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करना चाहें, कोई चीज़ हिबा करना चाहें, कोई बिल्डिंग, को पैसा, रुपया, तो वो बराबरी के साथ आपने तकसीम करना है। लेकिन यहाँ रुक कर मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, ये हर दूसरे तीसरे घर का मसला है। बच्चों को शर्म आनी चाहिए, जीते जी अपने बाप से ऐसे मुतालबे नहीं करने चाहिए। वल्ला मैं हैरान होता हूँ कि पत्थर से ज़्यादा सख्त दिल है कई बच्चे, वो बड़ी डटाई के साथ अपने बाबा को परेशान करते हैं, कहते हैं जी मैंने मेरा हिस्सा दे दो तो मैंने अलग कर दे, तेरा हिस्सा का है, बाप तेरा जिंदा है, तेरा हिस्सा क्या है, अभी तो मालिक जिंदा है। तो जीते जी बाप से ऐसे मुतालबे करना, भाई सच्ची बात है, ये गैर शरी से मुतालबे, ऐसे नहीं कर। अच्छा कई लोग कहते हैं जी शेख साहब हम ना झगड़े से बच्चों को बचाने के लिए ना मैं जीते जी ही सारे मामले करना चाहता हूँ। नहीं भाई, झगड़े से तेरी औलाद को बचाने के लिए अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। अगर अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्सों में कोई कमी बेशी करेगा तो अल्लाह का मुजरम है। तो ये भी कोई बड़ा मुस्तहसन या कोई बड़ा अच्छा फैसला नहीं है कि इंसान जीते जी ऐसे मामले करे। इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि वल्ला खून सफ़ेद हो गए हैं और बिल्कुल कई बच्चे बच्चे नहीं हैं, गुस्सा में करना दरिंदे हैं, अल्लाह की कसम बदतमीजी करते हैं। भाई हमने दीन सिर्फ रफिल देन को समझ लिया, मैं अक्सर ये बातें करता हूँ ऊँची आमीन को, हमने दीन समझ लिया है, हमारी आयली जिंदगी, खानदानी जिंदगी, घरेलू जिंदगी बिल्कुल जानवरों जैसी हो चुकी है। आपका बाप जिंदा है भाई, उसकी खिदमत करो, जब वो ना रहेगा फिर जो शरीयत आपको दे दे आप उसको कबूल कर लें। तो मेरे प्यारे भाइयों, वसीयत जो है ये बहुत मुबारक अमल है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। वसीयत के हवाले से पहला मसला आप ज़रा तवज्जो से सुन लें। हज़रत उमर बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे और आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की गर्दन झुकी हुई थी और आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जुगाली कर रही थी और आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का लुआब मेरे कंधों में गिर रहा था। आप अंदाज़ा कर लें कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम पर कैसे मोहब्बत के कैमरे फिट किए थे। ऊँटनी थी, ऊँटनी पे बैठे हुए थे, ऊँटनी की गर्दन झुकी हुई थी और ऊँटनी का लुआब सहाबी कहते हैं मेरे कंधों पे गिर रहा था। इस आलम में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला कद अता कुल्लज़ी हक्कन हक्का फला वसीयत लिवारिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने हर हक वाले को उसका हक दे दिया है जिसका हिस्सा कुरान शरीफ में दीन में मुकर्रर कर दिया है। मरने वाला बंदा उसके हक में वसीयत नहीं कर सकता। ये पहला मसला आपने ज़हन में रखना है। बेटा है उसका हिस्सा मुकर्रर है, बेटी है उसका हिस्सा मुकर्रर है, वालिदैन का हिस्सा मुकर्रर है। जिसका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर है आप मेरे प्यारे भाइयों उसके हक में वसीयत नहीं कर सकते कि मेरा ये माल मेरे फलां बेटे को दे देना उसके हिस्से के साथ साथ, या मेरा फलां माल मेरी बीवी को दे देना। बीवी का आठवां या चौथा हिस्सा मुकर्रर है, बेटे का हिस्सा मुकर्रर है, बेटी का हिस्सा मुकर्रर है। जो सहाबुल फुरूज हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर अल्लाह ने कर दिया है, मिलके बोले उनको अलग बंदा अपने माल से वसीयत कर सकता? ये मोटी आपने मसले की बात ज़हन में रखनी। अगर कोई ऐसी वसीयत करेगा तो वो नाफिजुल अमल नहीं होगी, वो हराम है, वो नजायज़ है, वो गलत है, शरीयत में उसका कोई जवाब नहीं। वसीयत आपने किसको करनी है? उसको आपने करनी है जिसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है। मिसाल के तौर पर मोहल्ले में कोई गरीब आदमी है, आप कहते हैं जी ये आप मेरा इतना माल जो है, इतने पैसे जो हैं आप फलां गरीब आदमी को दे देना, फलां को मकान दे देना, या फलां जामिया में आप कूलर लगवा देना, साजा की तनख्वाहें दे देना, है जी कहीं कोई कुरान के नुस्खे रख देना, या इस तरह की दीगर चीज़ें। ये आप वसीयत कर सकते हैं कि जिनके शरीयत ने हिस्से मुकर्रर नहीं किए। तो जिनके शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कर दिए रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, उनके बारे में बंदा अलग से वसीयत नहीं कर सकता। और ऐसा भी हमारे मुआशरे में होता है, ये सरासर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात के खिलाफ है। दूसरी बात तवज्जो से सुन लें,
वसीयत के मामले में जब इंसान मौत व हयात की कशमकश में हो, आखिरी लम्हात में हो, अधेड़ उम्र में हो, और अगर वो वसीयत करना चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल के तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 1,00,000 रुपया छोड़ कर गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 की वसीयत कर सकता है कि इसको अल्लाह की राह में खर्च कर देना, मदरसे में खर्च कर देना, मस्जिद में खर्च कर देना, या कहीं भी अच्छी जगह पे खर्च कर देना, वो तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है। अगर 1 करोड़ छोड़ के गया तो वो 33,00,000 की वसीयत कर सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस है इस मौजू पर, आपको मैं 1-2 अहादीस सुना देता हूँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मैं हज्जतुल विदा के मौका पर ना बीमार हो गया, आदनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तीमारदारी की। सहाबी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तीमारदारी। आप सोचें नबी के सहाबा की कितनी शान है जिनकी तीमारदारी अल्लाह के पैगम्बर किया करते थे। वो बीमार होते थे, उनकी तीमारदारी अल्लाह के पैगम्बर किया करते थे। कैसे अजीब लोग थे। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए, बातें हुई तो चलते चलते मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम मेरी सिर्फ एक बेटी है, तवज्जो से सुनना, ली इब्नत वाहिदा, मेरी एक बेटी है, तो मेरे पास माल बहुत ज़्यादा है, क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दूँ, इस बात की वसीयत कर दूँ, अल्लाह की राह में सारा माल दे दूँ। नबी पाक ने फरमाया नहीं, सारा माल नहीं तुम दे सकते। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या मैं निसफ़ अल्लाह की राह में दे दूँ। फरमाया नहीं। कहा अल्लाह के नबी क्या मैं तीसरा हिस्सा दे दूँ। आपने फरमाया हाँ, वस्थुलुसु कसीर, आपने फरमाया तीसरा हिस्सा तुझे वसीयत करने की, वक्फ करने की, देने की इजाज़त है, और ये तीसरा हिस्सा भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो जाते वक्त अपनी सारी जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ़ कर जाए, बच्चों को कंगाल छोड़ जाए, बच्चों को मुहताज छोड़ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया, बल्कि अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से वापसी करवाई है। जीते जी आप अल्लाह की राह में दें, जितना मर्जी दें, दिल खोल के दें। बड़ी वैसे अजीब बात है ना, इधर देखें, जीते जी बंदे का हौसला नहीं बढ़ता, अच्छा बंदे को मौत नजर आ रही होती है फिर बंदा कहता है मैं सारा ही अल्लाह की राह में दे दूँ। नहीं भाई, औलाद के लिए छोड़ना, औलाद को मालदार छोड़ना, ये भी शरीयत है। और यहाँ रुक कर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि हमारे आज के दरस की सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1 दिनार बंदा जिहाद फी सबीलिल्लाह में देता है, 1 दिनार बंदा मिस्कीन को देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 दिनार बंदा अपनी घर पर खर्च करता है, बच्चों पर खर्च करता है। दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, दीनारुन अनफक्तहु अलल मिस्कीन, दीनारुन अनफक्तहु अला अहले का, 1 दिनार अल्लाह की राह में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, जिहाद में दे दिया, कहीं दे दिया, और 1 दिनार किसी भूखे को खाना खिला दिया, 1 दिनार बच्चों पे खर्च कर दिया, बीवी पे खर्च कर दिया। कान खोलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन 3 दिनारों में से सबसे ज़्यादा सवाब उस दिनार का मिलेगा जो दिनार तूने अपने घर वालों पर खर्च किया। घर वालों के मुंह में पानी का एक कतरा डालना, रोटी का एक लुकमा डालना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेहतरीन सदका है। यकीन माने मैं डॉक्टर साहब की बसीरत को सलाम करता हूँ, मस्जिद की इंतजामिया को सलाम करता हूँ, भाई ऐसे मसाइल बयान करने की जरूरत है। और भाई मस्जिद सिर्फ टोपी का नाम नहीं है, दाढ़ी का नाम नहीं है, सिर्फ रफुल दैन का नाम नहीं है, दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, घरेलू जिंदगी का नाम भी दीन है। ये देखें मुस्लिम की मैंने आपको हदीस सुनाई है, कई घरों के झगड़ों की तलाफी के लिए एक हदीस ही काफी है। सब झगड़े की वजह ये है, बखील है, बैंक बैलेंस मजबूत करता है, जोड़ता है, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों की बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं करता। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद पर भी खर्च करने का सवाब है, मिस्कीन पर भी खर्च करने का सवाब है,
जिहाद में देने का भी सवाब है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब अल्लाह तुझे उस वक़्त देते हैं जब तू मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, कारोबार करता है, अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला पानी की एक घूंट घूंट पे और एक एक लुकमे पे अल्लाह पाक जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जीते जी आप जितना चाहें खर्च करें, लेकिन जब आपने वसीयत करनी है तो वो आप तीसरे हिस्से की कर सकते हैं। एक आपको दूसरी रवायत सुना देता हूँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था, उसके पास छः गुलाम थे। जब मौत का वक़्त करीब आया तो उसने छः के छः गुलाम ही अल्लाह की राह में आज़ाद कर दी। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि इसके पास छः गुलाम थे, उसने छः के छः ही दे दिए, सारा माल ही इसने अल्लाह की राह में दे दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए, आपने छः के छः गुलाम वापस किए। फजज़ाहुम अथलाफा, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन छः गुलामों को तीन हिस्सों में तकसीम किया, दो दो करके अलग अलग किए, तीन हिस्सों में तकसीम किया उनको। थुम्मा अक़्रा बैनहुम, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पर्ची डाली, कुरा डाला, उनमें से जिन दो का नाम निकला उनको नबी पाक ने आज़ाद कर दिया और बाकी को नबी पाक ने गुलाम ही रहने दिया और गुरसा के पास ही रहने दिया। और नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में आके बड़ी सख्त बातें इरशाद फरमाईं और आपने फरमाया, खबरदार आज के बाद अगर किसी बंदे ने मरते वक्त सारे माल को अल्लाह की राह में दिया या अल्लाह की राह में खर्च किया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना फरमा दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक का गालबन ये 29वां पारा है, इसमें कोई शक नहीं है सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, अल्लाह की राह में देने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन ये सारे मामले ना जीते जी करें और रोज़ाना की बुनियाद पर करें। देखें आखिर में आके हर बंदा ज़ोर लगाता है और आखिर में आके हर बंदा शरीयत से हुक्म अदूली की कोशिश करता है, नहीं, वो आपको सिर्फ शरीयत तीसरे हिस्से का हक़ देती है। और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से आप तवज्जो के साथ समाप्त फरमा लें, मैं आप तमाम भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि वसीयत से फ़ायदा उठाएं। देखें अक्सर लोग मैंने देखा है वो तीसरे हिस्से की वसीयत नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ है ना, आप वसीयत से पूरा फ़ायदा उठाएँ, आप कोशिश करें कि 33 लाख की वसीयत करें, 20 लाख की वसीयत करें, 10 लाख की वसीयत करें। और भाई सारा ये पिछलों के लिए ना छोड़ जाए, ये गुलछड़े उड़ाएंगे, सारा पिछलों के लिए ना छोड़ें, कब्र में अपने साथ कुछ लेके जाएं। जो बंदा तीसरे हिस्से की वसीयत करता है ना, ये कान खोल के मसला सुन लो, तीसरा हिस्सा मिसाल के तौर पे 33,000 बनता है या 33 लाख बनता है या 33 करोड़ बनता है या 3300 बनता है। अब उस 3300 का एक पंखा मस्जिद में लग गया, जब तक वो हवा देता रहेगा अल्लाह पाक तेरी कब्र को रोशन करता रहेगा। असल आज के दरस का जो मकसद है, आप लोग तशरीफ लाए हैं, जो हम आपको पैगाम देना चाहते हैं अपनी याकूब मस्जिद से, वैसे ना वसीयत का और हजरत याकूब का ही आपस में बड़ा तल्लुक है। पहले सिपारे में आखिर में आता है ना, अम कुंतुम शुहदा इज़ हादरा याकूब, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की थी ना। तो हमारी याकूब मस्जिद से जो वसीयत के हवाले से दरस है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरे बाबों और मेरे बुजुर्गों, आप बड़े गाफिल हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उन्होंने बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ा है, वसीयत करते नहीं। भाई क्यों? आप वसीयत लिखें, आज ही अपने बिस्तर पर लिख के रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, मेरे वरसा, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मौत पर हक है, न जाने मौत का फरिश्ता मुझे कब दबोच ले। बेटा मेरी जितनी जायदाद है उसमें से आपने तीसरा हिस्सा जो है वो मदरसे में देना है। अगर आपको किसी मदरसे से प्यार है उस मदरसे का नाम लिख दें, मस्जिद का प्यार है उस मस्जिद का नाम लिख दें, या और आप कहीं को खर्च करना चाहते हैं आप उस चीज़ का नाम लिख दें। हम आपको बुनियादी तौर पे आज ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों में देखें ये भी हिम्मत नहीं है कि वो तीसरे हिस्से की वसीयत करें। तो भाई आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, कोई भाई पीछे ना रहे, ये इंशाल्लाह मुस्तहब है, ये मसनून है और इसकी शरीयत में बहुत ज़्यादा तरहीब है। बाकी इंसान की कुछ वसीयतें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं
आप उसको मुबाह कह लें, जायज़ कह लें। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है कि मेरा जनाजा फलां शेख साहब पढ़ाए, मेरा जनाजा अगर वो आसानी के साथ मुयसर है, फैसलाबाद में मौजूद है तो पढ़ा दें, अगर वो मौजूद भी हैं उनकी तबीयत साथ नहीं देती या वो नहीं आना चाहते तो ये कोई फ़र्ज़ नहीं है वसीयत। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जी, अब्बा जी ने कहा था कि फलां शेख साहब मेरा जनाजा पढ़ाए, उन्होंने नहीं पढ़ाया, वो समझते पता नहीं जनाजा ही नाकस हो गया। भाई ऐसे नहीं है, ये ऐसी वसीयतें हैं, अगर इन पर अमल हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं अमल होता तो कोई अर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी मेरे प्यारे भाइयों चार दुकानें हैं, ठीक है, आप इस बात की वसीयत लिखें कि बेटा मेरे जाने के बाद आपने एक दुकान बेचकर उसकी जो कीमत मिले आपने जगह खरीदनी है और वहाँ मस्जिद बनानी है और वहाँ सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत होती रहेगी। आप में से अक्सर भाई ये कान खोल के सुन ले, अक्सर भाई ऐसे हैं अगर वो तीसरे हिस्से की शरीयत के मुताबिक वसीयत करें, शरीयत की रुख्सत से फ़ायदा उठाएँ तो वो माशाअल्लाह अल्लाह की ज़मीन पर मस्जिद बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं कि क़यामत तक नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बंदे की उम्र है या फिर चंद बातें सुन लें, 50 साल 60 साल उसकी उम्र है, 60 साल में बंदा कितनी नेकियां कर लेता है यार, बड़ी थोड़ी सी होती हैं, कुछ भी नहीं होता। पहले 15-20 साल 25 साल बेशौरी के होते हैं, फिर 10-15 साल कुछ नेकियां होती हैं, फिर बंदा बुढ़ापे में आ जाता है। तो ब्रैनर तो हमें देख लें, जो हमारी फूड है, खाना है, मामला, जवानी में बंदे को बूढ़ा कर देती हैं खुराकें। कई लोग 60 साल ज़िंदगी में, ये जुमला तवज्जो से सुनना, 50 साल ज़िंदगी में नमाजें पढ़ के, जिक्र करके, रब रब करके, उम्रे करके, खिरात करके इतनी नेकियां नहीं कमा पाते जितनी नेकियां उनके नामा अमाल में, जो जिस माल की उन्होंने वसीयत की थी ना, वो उनका माल मस्जिद में लग गया, मदरसे में लग गया, दीन में लग गया। अब क़यामत तक वो माल लगा रहेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके दर्जात बुलंद करते रहेंगे और अल्लाह तबारक व ताला उसको नेकियां अता करते रहेंगे। जिंदगी में की हुई नेकियों से आप ज्यादा नेकियां अपने दामन में इकट्ठी कर सकते हैं इस वसीयत से फायदा उठाकर। तो बाकी मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपने इंशाअल्लाह गफलत नहीं करनी, बीवी है, बेटी है, बेटा है, जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर कर दिए हैं अलग से, आप उनको पोता विरासत में, आपको पता है कि हिस्सादार नहीं होता, लेकिन पोते को वसीयत की जा सकती है। ये जो तीसरा हिस्सा है ना, आप इसकी वसीयत कर सकते हैं अपनी पोती के लिए, पोते के लिए आप उनको वसीयत कर दें, या उसमें से आप बेशक चौथे की, पाँचवें की, कि छठा हिस्सा ये जो मैं तीसरा हिस्सा है इसमें से आप हाफ जो है ये पोते को दे देना, हाफ मस्जिद में लगा देना, मदरसे में लगा देना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, ये बात तुम पर लिख दी गई है कि जब तुम में से किसी एक पर मौत का वक़्त हाजिर हो, इन तरह का खैरन वसीया, अगर वो माल छोड़ कर गया है तो वो वसीयत ज़रूर करे, वसीयत ज़रूर लिखे वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, अच्छे तरीके के साथ। वसीयत में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं होना चाहिए, गैरा मुदार। और ये तो आपको मसले का पता है ना कि जब बंदा फोत हो जाए और उसने जितनी जायदाद छोड़ी है, सबसे पहला करने वाला काम क्या है कि आपने उसके कफन दफन के जो मामले करने हैं ना, उसके बाद सबसे पहला करने वाला काम यह है कि आपने कर्ज उतारना है। कर्ज उतारने के बाद आपने वसीयत पर अमल करना है, और आप कोशिश करें कि वालदैन ने जो अच्छी वसीयत की है आप उसका एहतराम करें, उसका हया करें। लेकिन यार हम तो बड़े परले दर्जे के बेदीन हो गए हैं, गुस्सा ना करना। हम मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम की वसीयतों का भी हया नहीं किया। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर उम्र में क्या कहा था, लअनल्लाहु अल-यहूद वन-नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह बेड़ा गर्क करे यहूदियों का, अल्लाह बेड़ा गर्क करे ईसाइयों का, इन्होंने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। और मेरे उम्मतियों ये काम ना करना, कब्रों में सजदे ना करना। अम्मा आयशा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होती, कभी होश में आते, फिर जब होश में आते तो कहते हैं कब्रों पे सजदे ना करना, कब्रों पे मजामर बन के ना बैठना। इस उम्मत का अलमिया है कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की जो आखिरी अय्याम की वसाया है, वसीयतें हैं, हमने तो उन पर भी अमल नहीं किया। तो बाकी मेरे प्यारे भाइयों, उस चीज़ की आप वसीयत करके जाएँ, लिख कर जाएँ। ये मैं आपको एक सच्ची बात बताने लगा हूँ, मरने के बाद बड़े मामले गैर शरी होते हैं, वसीयत अपनी लिख कर जाएँ
کہ میرے مرنے کے بعد میرے دفن تک کے سارے معاملات آپ لوگوں نے شریعت کے مطابق کرنے ہیں، دین کے مطابق کرنے ہیں، کوئی کام خلاف سنت نہیں کرنا۔ جنازے کو لیٹ کر دیتے ہیں، عجیب و غریب بدعت کرتے ہیں، قبر پہ بدعت کرتے ہیں، جنازے میں بدعت کرتے ہیں۔ تو آپ اور بھی اس کے علاوہ جو اچھی باتیں سمجھتے ہیں، خیر کی باتیں سمجھتے ہیں، آپ اس کی وصیت کریں۔ اگر آپ گھر میں کوئی چھوٹی بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے بارے میں آپ وصیت کریں کہ آپ کوشش کر کے جی اس کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں۔ ہیں جی، اس کے علاوہ اور جو خیر کی باتیں ہیں یہ آپ کو تحریر کر دینی چاہیے، غفلت نہیں کرنی۔ وصیت کے معاملے میں ہم بڑے غافل ہیں اصل میں نا۔ ہم نے جینے کے ساتھ، یار ادھر دیکھو، آخری جملہ سن لو، جینے کے ساتھ اتنا دل لگا لیا ہے، کبھی ہم نے ایسے موضوعات پہ غور ہی نہیں کیا۔ اچھا جی، یہ جو وصیت والا آپشن ہے، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دینا، انشاءاللہ اس عمل سے فائدہ اٹھاؤ گے نا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں بندے کا دل کیوں نہیں کرتا، حالاں بندے کے کام آنے والی باتیں، کام آنے والی باتیں، تیرے کام آنے والی باتیں، تیری قبر میں تیرے کام آنے والی باتیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ہو سکتا ہے یہ تیری وصیت اللہ ایسی قبول کر لے کہ تیری زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ نیکیاں وصیت سے تجھے مل جائے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، کان کھولو، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ مجھے ان بزرگوں کا نام نہیں آتا، یہاں جو بزرگ تھے ان کا کیا نام تھا جی؟ حاجی محمد اسحاق صاحب۔ کتنے پیارے بزرگ تھے، جب مسجد چھوٹی ہوتی جب آتے تھے، اتنے شریف انسان، اتنے نمازی انسان، اتنے خاموش طبع انسان، اللہ والے انسان۔ اب وہ نظر نہیں آ رہے مجھے، کہاں ہیں؟ کتنے نمازی ہمارے چلے، یار ہم نے بھی چلے جانا، اللہ کی قسم ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ نیکیوں کی گٹھڑی ہے، یہ وصیت جتنا میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، یہ گٹھڑی جو ہے یہ میرے پیارے بھائیوں نیکیوں کے پیچھے چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں۔ میں یہ تین دن پہلے حافظ سعید صاحب سے مل کے آیا ہوں لاہور، دعا کرے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ حافظ صاحب سے لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی جوہر ٹاؤن لاہور میں، تو میں نے نا اٹھتے وقت حافظ صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب جی دو گزارشات ہیں۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ میں نے کہا آپ صاحب ایک تو وصیت کرے، نصیحت کرے، اور دوسرا نا دعا کرے اللہ پاک نا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے اور وصیت نصیحت کرے۔ آپ صاحب نے پتا کیا وصیت کی؟ نصیحت کی۔ کہنے لگے، کان کھولنا، کہنے لگے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اپنے ہر عمل میں اپنی آخرت بناؤ۔ ہم میں سے وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس عہدہ اونچا ہے۔ ہم میں سے کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ میں یہی نصیحت کروں گا کہ تھوڑی سی زندگی کی خاطر اپنی ہمیشہ والی زندگی برباد نہ کرنا۔ لوگ برباد کر رہے ہیں زندگی، مردار لگا ہوا ہے لوگوں کو، کوئی ڈر نہیں ہے لوگوں کو، کسی عمل سے نہیں نظر آتا کہ مرنا ہے، کسی بول سے نظر نہیں آتا کہ مرنا ہے، کسی رویے سے نظر نہیں آتا کہ مرنا ہے۔ ماں باپ دکھی، اساتذہ دکھی، کوئی بڑوں کا حیا نہیں معاشرے میں، بڑا فتنے کا دور ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے کامیاب انسان وہ ہے جو اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کر رہا ہے۔ اگر آج کے درس میں کوئی اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ آج کے درس میں اگر کوئی کمی تھی، وہ میری کم علمی کا ثبوت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ جاتے جاتے بھی دعا کر دیں اللہ پاک اس مسجد یعقوب کو قیامت تک آباد فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت میرا دل خوش ہوا ہے رونق دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے، مسجد دیکھ کے، اے سی دے کے، تحریر دے کے، ذوق شوق۔ ہم سوچ سکتے تھے کہ اتنا بڑا یہ مرکز بن جائے گا؟ یہ اللہ نے بنوایا ہے۔ مل کے بولیں،
ये अल्लाह ने बनवाया। अल्लाह पाक जो बुज़ुर्ग जिन्होंने ये बुनियाद रखी, जगह ये ली और इस मस्जिद को बनाया, उन नमाजियों बुज़ुर्गों में से अगर कोई फौत हो गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। जो जिंदा है इस घर से प्यार करते, अल्लाह उनसे प्यार फरमाए। दुआ करें अल्लाह पाक ज़िंदगी भर हमें किसी का मोहताज ना करें। अल्लाह रिज़्क़ से माला माल फरमाए, अल्लाह रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए और फिल फौर अल्लाह पाक हमारे हज उमरे का अहतमाम फरमाए। अल्लाह हमें बैतुल्लाह के हज नसीब फरमाए, उमरे नसीब फरमाए और अल्लाह मुल्के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपनी मौत आखरत और कब्र को याद रखकर उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक ये बड़ी अहम दुआ है, जिनके घरों में बेटियाँ बहनें जवान हैं, अल्लाह पाक उनके मुनासिब रिश्ते मुहैया फरमाए। जो बेटियों और बहनों की तरफ से दुखी हैं, अल्लाह पाक उनके दुख दूर फरमाए। और दिल से एक दुआ कर दो, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह पाक बच्चों की तरफ से आंखें ठंडियाँ कर, बच्चियों की तरफ से आंखें ठंडी कर। अल्लाह किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह फातिमा ईमान पे फरमाना, कलमा पढ़ने मान देना, ज़िंदगी की आखिरी नमाज बा जमात पढ़ाना और अल्लाह पाक हमें मौत से पहले पहले ये जो वसीयत है ना तीसरा हिस्सा, ये लाजमी ऑप्शन, इसको आपने लेना है इंशाल्लाह, इसको आपने छोड़ना नहीं अल्लाह के फजल से। अल्लाह पाक हमें खैर की वसीयत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी वसीयतें नहीं करके मरनी, कई लोग हराम वसीयतें करते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं ना ताड़ी फुफो को रिश्ता मंगया सी, ते ताड़ी फुफो ने ना रिश्ता नहीं दिता, ते मैं ताड़ी फुफो ने ना मरनजीन मका के चला वा, ते मेरे तो बाद भी तुसी फुफो नू नहीं मिलना। ना ऐसे नहीं कहना, ये हराम है, ऐसी नहीं बातें करनी। फिर क्या हुआ अगर रिश्ता नहीं दिया? यार झगड़े हो जाते हैं भाइयों में, लेकिन ये जो कांटे हैं ना, ये नस्लों में मुंतकिल नहीं करते। मैंने कई दीनदार लोगों को देखा है, मैंने एक बंदे को कहा, अरे भाई चचा को नहीं बुलाता, आंदा साड़ी अब्बा जी तो इन्हें बोल चाल ना मुक्की, अब्बा जी मका के गए ने, वसीयत करके गए ने, तुम चाचे को मुँह नहीं लाना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसी वसीयत बाप कर भी गया है तो ये नाफिजुल अमल नहीं। अच्छा, जिन वसीयतों पर अमल नहीं करना चाहिए उन पर हम अमल, और जिन जो वसीते करना भी हराम, जिन पे अमल करना भी हराम, उन पे हम अमल करते हैं, और जो मुस्तहब है, मसनून है, वाजिब है, ज़रूरी है, उनमें हम गफलत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम पे ज़िंदा रखे, इस्लाम पे अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, सारे बोलो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपके अबाव अजदाद से राज़ी हो जाए, अल्लाह आपकी नस्लों से राज़ी हो जाए। अल्लाह नेक लोगों में ज़िंदा रखना, नेक लोगों में मौत देना और क़यामत वाले दिन अल्लाह नेक लोगों में उठाना। हिसाब हम नहीं दे सकते, हमें बगैर हिसाब के अपनी जन्नत नसीब फरमाना। आजा मकान आइंदी वल्लाह तबारक व तआला आलम सलाम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।